हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रिया टीचर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए ए लेटर आपको लर्न कराने वाली हूँ। आपको पता है लेटर राइटिंग इंग्लिश में आपको है क्या? ओके स्टूडेंट्स, तो लेटर राइटिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? लेटर राइटिंग मतलब क्या? पत्र लेखन। ओके स्टूडेंट्स, पत्र लेखन मतलब क्या कि आपको एक सब्जेक्ट दिया जाएगा और उस पर आपको लेटर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो लेटर लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में आ गए हो तो आपको लेटर राइटिंग ये टॉपिक एकदम अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए। और अगर वो कब समझ में आएगा? जब ये लेटर राइटिंग का वीडियो आप बार बार अच्छे से देखोगे और उसको रीड करने का कोशिश ट्राई करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो में आपको लेटर राइटिंग मतलब पत्र लेखन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और एक पत्र भी आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखाने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ओके, चलो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, हाँ देखो, पत्र लिखते समय ध्यान में रखने की योग्य बातें। एक, स्थान और दिनांक। पत्र लिखने वाले का सबसे ऊपर दाहिने किनारे पर स्थान प्रेक्षक का पता और नीचे लिखे तारीख लिखनी चाहिए। अगर प्रश्न पत्र में पता दिया गया हो तो विद्यार्थी को वही पता लिखना चाहिए। अगर आप में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में अगर उसका पता दिया है, एड्रेस दिया है, तो आपको वैसे के वैसा लिखना है। अगर नहीं दिया है तो क्या करने का है? आपको खुद से वो एड्रेस लिखना होता है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ। दो नंबर, संबोधन और अभिवादन। मतलब विद्यार्थी जिसे पत्र लिखना चाहते हैं उसके संबंध विशेष के अनुसार विशिष्ट शिष्टतापूर्ण संबोधन लिखना चाहिए। जैसे देखो, आदरणीय गुरुजी, आपको अगर गुरुजी को पत्र लिखना है तो आपको क्या वहाँ पे लिखना है? आदरणीय गुरुजी। पूज्य माताजी, माताजी को लिखना है तो पूज्य माताजी, पूज्य पिताजी। अगर मित्र को पत्र लिखना है अथवा मित्र का नाम लिखना है, जैसे प्रिय अशोक, आपके जो भी फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स को पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, तो आपको क्या करना है? प्रिय अशोक, प्रिय शीला आदि लिखना है। आपको मित्र को पत्र लिखना है और आदरणीय गुरुजी लिख देते हो तो ये रॉन्ग है। दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन, जैसे सादर प्रणाम, सस्नेह नमस्ते, शुभाशीर्वाद। मतलब ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे सादर प्रणाम ये लाइन में। ओके स्टूडेंट्स, अभी तीन है, पत्र का विषय क्या होना चाहिए? पत्र के विषय को तीन भागों में बांट दिया जाता है। पत्र का विषय कितने भागों में बांट दिया जाता है? तीन पार्ट बनते हैं लेटर राइटिंग में। जैसे सबसे पहले क्या होता है? आरंभ, स्टार्ट, पत्र का आरंभ। इसके अंतर्गत कुशल समाचार लिखे जाते हैं। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? घर के लोग कैसे हैं? ये लिखा जाता है। लेकिन व्यावसायिक पत्रों में सीधे विषय पर शुरुआत होती है। अगर आपको नगर पालिके में लेटर लिखना है, हॉस्पिटल में लिखना है, अगर कोई ऑफिस में लिखना है, हाँ, तो डायरेक्ट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए फिर वहाँ पर। हाँ, ये चीज़ें डायरेक्ट हो वहाँ पे सब्जेक्ट ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर नगर पालिका में, हॉस्पिटल में पत्र लिखना है, आपका LC चाहिए स्कूल में, हाँ, आपको एडमिशन के बारे में कुछ पूछना है कॉलेज के, इसमें तो इसमें डायरेक्ट ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, तो पत्र का मध्य में क्या होना चाहिए? मिडल में, हाँ, क्या होना चाहिए? यह पत्र का मुख्य भाग है। यह पत्र का क्या है? मुख्य भाग है। इसमें पत्र के मूल विषय ध्यान में रखकर उचित ढंग से शुरुआत करनी चाहिए। पत्र के मध्य मिडल में क्या होना चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसके लिए पत्र लिख रहे हो? आपका पर्पस क्या है?
ये इसमें इसके इसके अंदर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हाँ। और लास्ट में अंततः, अंत मतलब लेटर राइटिंग का एंड कैसे होना चाहिए। जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार या संबंधित के प्रति कुशल क्षेम की अभिलाषा प्रकट होनी चाहिए। मतलब आपके पिताजी कैसे हैं, कहाँ थे हम लोग, हाँ। तो लास्ट में समाप्ति, मतलब बड़े शिष्ट ढंग से संबंध अनुसार आपका शुभेच्छुक, आज्ञाकारी, आपका भवदीय आदि लिखा जाता है। इस प्रकार पत्र लिखने वाले का परिचय और हस्ताक्षर दाई और सबसे नीचे लिखा जाता है, ये देखो यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, हाँ। तो देखो अभी पत्र, पत्र संबोधन और अभिवादन और समाप्ति कैसे होनी चाहिए। अगर आप पिताजी को पत्र लिखते हो तो आपको क्या लिखना है, पूज्य पिताजी, परम पूज्य, उनको क्या बोलना है, पिताजी को सादर प्रणाम, चरण वंदना, और उसके एंडिंग में क्या होना चाहिए, आपका आज्ञाकारी पुत्र या शिष्य। ओके स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग आपको पता है, हाँ। अगर आप बड़े को पत्र लिख रहे हो, आपके बड़े भाई है, हाँ, बड़े पापा है, आपकी बड़ी बहन है, हाँ, तो क्या लिखना चाहिए, आदरणीय बड़े भैया, सविनय प्रणाम, आपका स्नेह भाजन। ओके, अगर आप पुत्र पुत्री को लिख रहे हो, अपने पुत्र पुत्री को, तो चिरंजीव प्रिय पुत्री, हाँ, शुभाशीष आशीर्वाद। छोटे को अगर आप पत्र लिख रहे हो, आपसे छोटे हैं जो भाई बहन है उनको, तो क्या लिखना है, प्रिय बहन भाई शुभाशीष, मतलब आप उनको आशीर्वाद दे। बड़ों को आशीर्वाद नहीं देना है, अपने से जो छोटे होते हैं उनको लेटर राइटिंग में आशीर्वाद देना है। अगर आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं, फ्रेंड को, तो क्या लिखना है, प्रिय मित्र, और लास्ट में और उनको क्या बोलना है, नमस्ते, क्योंकि वो आपका एज का है ना, हाँ, इसके लिए, और तुम्हारा प्रिय मित्र। ओके स्टूडेंट्स, देखो अगर आप सहेली को पत्र लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तो प्रिय सहेली सखी, आप उसका नाम भी यहाँ पे डाल सकते हो। नमस्कार नमस्ते, क्योंकि अगर सहेली है तो आपके एज की ही है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो इनको क्या लिखना है, तुम्हारी प्रिय सखी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, पत्र लिखने में ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको ये वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको आपका होमवर्क यही है, ये वाला पेज और ये लेटर राइटिंग आपको गुड हैंड राइटिंग में लेके मुझे सेम नंबर पे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये लेटर राइटिंग है। ओके, कहाँ थे हम लोग, कहाँ, चलिए मैं अभी आपको एक लेटर एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ, एग्ज़ाम में ये लेटर आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए हिंदी का पहला पत्र लेखन है, कौन सा देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, नई पुस्तक खरीदने के लिए पैसे मांगते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना। मतलब आपको नई पुस्तक, न्यू बुक खरीदनी है, तो आपको पैसा कौन देगा, आपके पिताजी ना, हाँ, तो आपके पिताजी अगर दे रहे पैसा, तो आपको वो कैसा पैसा मांगना है लेटर लिख के, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले इस क्या लिखना है, आपका एड्रेस, 2 गांधी सदन, जवाहरलाल नगर, राजकोट, 36001, और दिनांक 15/5/2015। ओके, आप ये साल भी डाल सकते हो, करंट ईयर भी उसमें डाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट, पूज्य पिताजी, अगर आपको पिताजी से पैसे मांगने हैं तो पिताजी को नमस्ते मत बोलो, क्या बोलना है लेटर राइटिंग में, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आपको दिखाई दे रहा है, सादर प्रणाम। ओके, आपके आदेशानुसार मैंने वार्षिक परीक्षा की तैयारी की थी। मैंने क्या किया था, वार्षिक परीक्षा मतलब सेकंड सेमिस्टर लास्ट का, वार्षिक मतलब पूरे साल का लास्ट का एग्ज़ाम, उसकी तैयारी की थी। आपके शुभ आशीष से मैं कक्षा में सर्वप्रथम रहा हूँ, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं कक्षा मतलब क्या, क्लास, अपने वर्ग, अपने क्लास में मैं फर्स्ट आया हूँ, और मैं आगे भी आता रहूँगा।
आपको यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि मुझे बहुत से पुरस्कार मिलने वाले हैं, क्योंकि वो लड़का बहुत बहुत टैलेंट है, वो बहुत होशियार है, इसके लिए उसके बहुत सारे मेडल और सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं। अब मैं छठी कक्षा में जाऊंगा। वो कहाँ पर जाएगा? छठी कक्षा में जाएगा। आप क्या लिखने वाले हो? मैं पाँचवीं कक्षा में जाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो इस वर्ष के लिए नई पुस्तकें, बहिया और गणवेश खरीदने और वर्ग शुल्क देने के लिए 500 रुपये की आवश्यकता है। तो अगर मैं आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, तो आपको पैसा किसके लिए चाहिए ये आपको मेंशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो इस वर्ष के लिए मतलब न्यू ईयर के लिए उसको क्या क्या लेना है? न्यू बुक्स लेनी है, भैया मतलब नोटबुक लेना है, और गणवेश यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, और वर्ग शुल्क मतलब जो ट्यूशन फीस होती है ना मंथली, वो उसके लिए पूरा कुल मिला के उसको 500 रुपये की ज़रूरत है, आवश्यकता है। आवश्यकता मतलब उसको वो 500 रुपये चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो कृपया पत्र लिखते ही मनी ऑर्डर द्वारा भेजने का कष्ट करें, मतलब ये मुझे ये सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। ओके, गणवेश खरीदना है, बहिया लेनी है, पुस्तक लेनी है, तो ये सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? 500 रुपये चाहिए। तो आप ये पत्र जब आपके पास पहुँचेगा तो आप मुझे वो पैसा भेज दीजिए। हाँ, ऐसे आपको डैडी को रिक्वेस्ट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, कृपया पत्र देखते ही मनी ऑर्डर द्वारा भेजने का कष्ट करें। आप गूगल पे हो सकता है, लेकिन वो टाइम पे मनी ऑर्डर ही करनी पड़ती थी। ओके स्टूडेंट्स, आशा है आप शीघ्र पैसा भेज देंगे। आई होप आप मुझे जल्दी से जल्दी पैसा भेज दोगे। शीघ्र मतलब जल्दी, तुरंत। ओके, तो माताजी को सादर प्रणाम। मम्मी को भाई बहन के लिए प्यार जो छोटे हैं, और शेष कुशल मतलब बाकी सब ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञाकारी पुत्री अनिल, आप अपना नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, अनिल ने किसको पत्र लिखा है? अपने डैडी को पत्र लिखा है, और मनी ऑर्डर द्वारा पत्र जब डैडी को मिल जाएगा तो पैसा तुरंत चाहिए, ऐसा आप रिक्वेस्ट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका 5th स्टैंडर्ड के लिए हिंदी सब्जेक्ट का पहला पत्र लेखन। ओके, अगर कुछ भी आपको ये आती है, डिफ़िकल्टी आती है लेटर राइटिंग में, तो आप ये वीडियो को बार बार देखना, और ये एक वीडियो में दिया हुआ पत्र लेखन, और ये पेज देखो मैं आपको दिखा रही हूँ फुल पेज। ओके स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ फुल पेज। तो आपको क्या करना है, यही पेज को आपको अपने नोटबुक में अच्छे से लिखना है, और मुझे सेम नंबर पे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ अच्छे से। ओके, तो आपको ये लेटर राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए, और ये लेटर राइटिंग में सब चीज़ें होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, पत्र का आरंभ भी अच्छा होना चाहिए, मध्य भी अच्छा होना चाहिए, और अंत मतलब जो आप उसका एंड करोगे पत्र लेखन का, लेटर राइटिंग का, तो एकदम अच्छा होना चाहिए। आपका लेटर राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो टीचर को पढ़ते ही उसको समझ में आना चाहिए कि अरे बाबा, ये इसको बहुत कुछ आता है, बहुत अच्छे से लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, और ये लेटर राइटिंग आपको विदाउट सीन आनी चाहिए, एग्ज़ाम में आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आप डेली के डेली अ से आह तक और क ते ज्ञ तक 12 खड़ी लिखना, तभी आपको हिंदी का राइटिंग भी आ जाएगा और रीडिंग भी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो हिंदी सब्जेक्ट बहुत बहुत इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, आपको और एक काम करना है, जो जो आपको इसमें जब आप ये पढ़ते हो जो आपको पढ़ना नहीं आता है, ओके, जो हार्ड वर्ड्स आपको समझ में आते उसको क्या करो, आप अंडरलाइन करो, और मुझे आप पूछ सकते हो। ओके, कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है, मिस्टेक लगती है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे आप मुझे रिप्लाई दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो आपको ये बात समझ में आई? देखो एक बार फिर से मैं आपको लेटर राइटिंग रीड करवाती हूँ। 2 गांधी सदन, जवाहरलाल नगर, राजकोट, 3-6-0001
दिनांक 15/5/2015 आप यहाँ पे अपनी डेट भी डाल सकते हो। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आपके आदेशानुसार मैंने वार्षिक परीक्षा की तैयारी की थी। आपके शुभ आशीष से मैं कक्षा में सर्वप्रथम रहा हूँ। आपको यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि मुझे बहुत से पुरस्कार मिलने वाले हैं। अब मैं छठी कक्षा में जाऊंगा, आप फिफ्थ कक्षा में लिख सकते हो। इस वर्ष के लिए नई पुस्तक बहिया व गणवेश खरीदने और वर्ग शुल्क देने के लिए 500 रुपये की आवश्यकता है। कृपया पत्र लिखते ही पैसे मनी ऑर्डर द्वारा भेजने का कष्ट करें। आशा है कि आप शीघ्र पैसा भेज दें। माता जी को सादर प्रणाम। भाई बहन के लिए प्यार, शेष कुशल, आपका आज्ञाकारी पुत्र अनिल। ये आपका लेटर है, जैसे कि वैसे वर्ड टू वर्ड आपको अपने नोटबुक में लिखना है और मुझे सेंड करना है, और ज़्यादा मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक कब नहीं होगी? जब आप ये वीडियो बार बार देखोगे। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो मुझे आप ये लेटर राइटिंग लिख के मुझे सेम नंबर पे सेंड कर देना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। ओके बाय, सी यू अगेन।